Good morning, my dear students. Welcome back to online EVS class. Students, today in our EVS book, we will read chapter 5. Its name is Water and Air. And in the starting of the chapter, an exercise is given to you. Kids, now tell me one thing where does a fish live? या राइट आंसर फिश लिवस इन वाटर नाउ टेल मी कैन फिश लिव विदाउट वाटर क्या बिना पानी के फिश जिंदा रह सकती है नो राइट आंसर वेरी गुड मछली जो है वो बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती तो फिश की तरह ही कुछ और भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ पानी में ही रहते हैं उनकी लाइफ जो है पानी है ओके तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स आपको इस एक्सरसाइज में दिखाए गए हैं इस बॉक्स में दिखाए गए हैं विच लिव्स इन वाटर ओके सो यू हैव टू टिक द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर एंड क्रॉस द वनस दैट फ्लाई इन द एयर ओके जो एयर में फ्लाई करते हैं उनको आपने क्रॉस करना है और जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन्हें आपने टिक करना है ओके डू इट बाय योर ओन यस आई विल नॉट डिस्कस इट विद यू ओके बेटा नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर यस प्लांट्स एनिमल्स ऑल नीड वाटर टू स्टे अलाइव जिंदा रहने के लिए ह्यूम्स को प्लांट्स को एनिमल्स को बर्ड्स को सबको किसकी नीड होती है वॉटर की दे ऑल नीड वाटर टू स्टे अलाइव वॉटर लाइक फूड खाने की ही तरह वाटर इज ऑल्सो आर बेसिक नीड इट इज़ आर बेसिक नीड ये हमारी सबसे पहली जरूरत है वी कैन नाट लिव विदाउट वाटर वी कैन नोट स्टे अ ल लाइव विदाउट वोटर ओके बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं वी नीड वाटर एवरी डे फोर हमें किन किन चीज़ों के लिए हर रोज़ पानी चाहिए होता है हम ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिन्हें करने के लिए हमें वाटर की नीड होती है तो ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो वाटर की हेल्प से किए जाती है ऐसे कौन से काम हैं जिनके लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है आइए जानते हैं ओके वी नीड वाटर एवरी डे फॉर ड्रिंकिंग बेदिंग कुकिंग वॉशिंग क्लॉथ्स क्लीनिंग डिशेज mopping the floor fl mopping the floor watering plants putting out fires so for all these activities we need water okay animals also need water to drink and bathe like us animals also need water and many animals like fish ऑक्टोपस एंड टर्टर्स लिव इन वाटर ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी में ही रहते हैं तो इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं दीज एनिमल्स आर नोन एज वाटर एनिमल्स और वी कैन से एक्वेटिक एनिमल्स ओके बेटा नाउ लेट डिस्कस सोर्सेज ऑफ वाटर सोर्स यानि की वो प्लेस वो जगह वो चीज जिससे हमें पानी मिलता है येस वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर कहाँ से मिलता है हमें पानी है ना सोचने वाली बात ये जो इतनी सारी एक्टिविटीज करने के लिए हमें वाटर की नीड होती है तो वो वाटर हमें कहाँ से मिलता है ये yes, गेट्स वी गेट वाटर फोर आर यूज फ्रॉम रेन कहाँ से मिलता है फ्राम रेन एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज और किस से मिलता है डिफरेंट वाटर बॉडीज से मिलता है लाइक रिवर्स स्ट्रीम्स लेक्स पॉन्स एंड वाटरफॉल्स ओके ऑल दिस वाटर comes from rain and snow. Water bodies में पानी कहाँ से आता है It comes from rain and snow on the mountains. Mountains पर जो snow होती है sun के आने पर वो धीरे धीरे melt हो जाती है और फिर rivers की form में और छोटे छोटे streams की form में वो फ्लो करती करता है वाटर ओके यस सो दीज आर नोन एज द वाटर बॉडीज वी कैन सी देयर पिक्चर रिवर लेक पॉन्ड ओके व्हेन ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम द क्लाउड्स जब पानी की बूंदे बादलों से गिरती हैं इट इज कॉल्ड रेन तो इसे हम क्या कहते हैं बारिश कहते हैं एंड किड्स रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ रेन जो है वो वाटर का मेन सोर्स है हमारी अर्थ पे जितना भी वाटर है तो उसका मेन सोर्स क्या है रेन देयर इज वाटर अंडर द ग्राउंड ऑल्सो डू यू नो बेटा कि जो हमारी जमीन है जो हमारी धरती है इसके नीचे भी वाटर है एंड वी गेट दिस वाटर थ्रू वेल्स pumps, ट्यूब वेल्स etc. और ये पानी हमें कैसे मिलता है इस पानी को अंडरग्राउंड वाटर को हम कैसे निकालते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ वेल्स pumps. ट्यूबवेल्स एटसेट्रा इनकी हेल्प से हम इस वाटर को यूज करते हैं ओके वॉटर इज अ प्रशियस सोर्स वाटर जो है बहुत ही प्रेशियस है यानि कि बहुत ही कॉस्टली है बहुत ही कीमती है वी शुड नेवर वेस्ट वाटर और मेक इट डर्टी हमें जो है ना तो कभी वाटर को वेस्ट करना होता है करना चाहिए और ना ही कभी इसे डर्टी करना चाहिए ओके वी मस्ट ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर और हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए ऐसा क्यों बेटा बिकॉज इफ वी विल ड्रिंक डर्टी वाटर देन इट विल मेक अस सिक ड्रिंकिंग क्लीन वाटर कैन मेक अ सिक गंदा पानी पीने से हम बीमार हो सकते हैं सो वी मस्ट ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर ओके बेटा और अब हम जानेंगे वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ वाटर के बारे में जानेंगे वाटर क्या होता है कैसा दिखता है इसकी स्मेल कैसी होती है इसकी शेप कैसी होती है येस yes, बेटा वॉटर इज कलरलेस वाटर का कोई कलर नहीं होता इट हैज़ नो टेस्ट ना ही इसका कोई टेस्ट होता है इसके साथ ही इट हैज़ नो स्मेल इसमें कोई स्मेल भी नहीं होती है इट हैज़ नो शेप और ना ही इसकी कोई शेप होती है ओके सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर ओके बेटा येस किड्स एंड वी गेट वाटर फ्रॉम टैप इन आर होम्स हम अपने घरों में हमें पानी किस से मिलता है टैब के थ्रू मिलता है राइट right? तो हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है पोल्यूट नहीं करना है ओके बेटा एंड नाउ लेट डिस्कस यूर होमवर्क योर टूडेज़ होमवर्क इज़ यू विल रीड बुक पेज नंबर ट्वेंटी नाइन एंड यू विल कम्प्लीट द गिवन एक्सरसाइज ओके Then you will read page number 30 and 31. Okay. This part you will read and you will also underline the difficult words and you will learn the spelling of these difficult words. Okay, beta. And read the chapter at least two times. Okay. Thank you and bye bye.